और आज इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट नहीं सबसे विचित्र चीज होने जा रही है। ठीक है तो भाई लोगों, आप आ गए हैं फाइनली, और ये वो जगह है जहाँ मेरी और इसकी बर्बादी हुई थी, मतलब शादी हुई थी, है ना। कहती मैं बताती हूँ। है ना, तो भाई यहाँ हुई थी हमारी शादी होटल में। और हम क्यों आए हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई लाइट अभी तक नहीं आई है घर पे, ठीक है, यस, तो इसलिए हमने फिर आज होटल ही बुक दो कर लिया, घंटे से ऊपर का क्योंकि कर रात को ना काका हुआ था परेशान बहुत ज़्यादा। दो दिन हो दिन गए, से, हाँ 48 घंटे से ऊपर हो गए भाई लाइट गए हुए। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और हम होटल में क्यों हैं, क्योंकि बिजली नहीं है 3 दिन से घर पे, तो ऐसा सीन है। ये देखो ये मस्त पड़ी हुई है, ये देखो ये भी मस्त पड़ा हुआ नानी के साथ कार्टून देख रहा मजे से। तो अभी तो पहले घर जाके देखेंगे लाइट आई है कि नहीं आई है, वो अपडेट आएगा तो उसके बाद देखेंगे। तो अभी तो भाई बैठे हैं यहाँ पे होटल में, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट आएगा फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो भाई लोगों, फाइनली अपा भाई चेकआउट कर लिया है, ठीक है जी। ये रहा होटल जहाँ हम रुके थे, और ये है शिमला कालका हाईवे, बस यहीं पे रुके थे भाई अपा। तो ऐसा सा सीन है, हमने होटल में रुकना नहीं था, तो मोहित वगैरह तो एक दिन पहले ही आके रुक गए थे वो लोग, तो हम लोगों ने सोचा कि चल आ जाएगी लाइट, आ जाएगी लाइट, आएगी आएगी, आई नहीं। फिर फ्रेंड में परेशान हो गए, मैंने कहा यार काके ने भी रुकना है, मैंने कहा काके का तो फिर दिक्कत हो जाती है आर्यन की ना, उसका मिशन हो जाता है रात को, क्योंकि गर्मी में वो सोता नहीं है, फिर मेन ये होता है। तो इस करके फिर मैंने कहा चल ले लेते रूम, तो हम लोग भी यहीं पर आ गए थे रात को। फिर यहाँ पर फ़ोन चार्ज करे भाई, कल यहीं रहे आराम से, अब जाके चेकआउट मारा है यहाँ से। तो अब कह तो रहे हैं घर पे लाइट आ गई है, तो देखते हैं अब घर जाते हैं भाई, दो कितना 50-55 घंटे बाद लाइट आके कैसा लगता है देखते हैं जाके घर पे। भाई आ गए, देखो ये सो गया लड़का, हैं बाहर आते सो गए, और ये सामान रख रही है लड़की हमारी, देख लो भाई। क्रीमें लग रही है, क्रीमें रोड साइड मेकअप हो रहा है। मौसम देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है यार, ऑसम मौसम। कहाँ जाना है? मोरनी। माता जी कहते मोरनी जाएंगे घूमने, चलो बहुत तेज हो रहा है। हाँ मौसम सुहाना है, आप जाएंगे गेड़ी मार के आएंगे, बढ़िया भाई, फुल पावर मौसम हो रहेगा पता, मतलब ठीक है, गर्मी भी खत्म होगी, लाइट भी आ गई है अब तो अब देखते हैं क्या करना है। छुट्टी भी आ गई है, लाइट भी आ गई है, गर्मी भी खत्म हो गई है। देखो यहाँ ना, ये पीछे को यहाँ पीछे इनका वो है बैंक्वेट टाइप, यहाँ हुआ था हमारा ब्याह, यहाँ मेरी और इसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। तो भाई यहाँ पे आ गए थे अपा कल, तो हम सारे ही थे यहाँ पे, मोहित, कोमल की मम्मा, भाभी, मैं, फिर मम्मा मेरे आ नहीं रहे थे, तो रात को फिर मम्मा को भी ले आए थे, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी सी हो गई थी थोड़ी गर्मी में की वजह से, तो रात को मम्मा को ले आए थे। फिर सवेरे सवेरे 7 बजे उनको छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ करना होता ना, पूजा पाठ वाले लोग हैं, हम लोग हैं नहीं पूजा पाठ वाले लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप। चलो पीपल अपन निकल गए फाइनली चेकआउट मार के, अब जा रहे घर। ये डकार सबसे जरूरी थी। बैकग्राउंड इफेक्ट के लिए है ना, छोले भटूरे का वो है, इस पे वो लगाना, तुम्हारा तो सारा मूड खराब कर दी। दिल्ली वालों के स्पेशल छोले भटूरे, स्पेशल डकार। और ये देखो लड़का हमारा सो रहा है वजह से, कैमरे के सामने चुप हो जाए, गाने गाने पे करा लेगा करना चाहिए। अपना देख लो कैमरा मेरे सामने, क्या कह रहे थे, कैमरा मेरे सामने ला जा, देखो मेरी ये ग्राहक हो, सॉरी ग्राहक वो मेरा थोड़ा मेरे ग्राहक हो, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। मेरी थोड़ी सी लाइन वो वाली है ना, सॉरी मेरा ये सभी दर्कशों से, दर्कश मेरे सभी दर्कशों से, नहीं क्या बोलते, तुमसे ना हो पाएगा मेरे सभी दर्कशों से। अरे उसको क्या, व्यूअर्स को क्या बोलते हैं, दर्शकों से, दर्शक ये रिक्वेस्ट है कि
अगर ये वाला पार्ट कटा है ना तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है, तुम समझ जाना। तो भाई ये मेरे जीजा जी अमन, ये ना एक सीरियल देखते हैं कोमल के साथ, मतलब कोमल वो सीरियल देखती है, एक सीन उन्होंने देखा, उसमें ना एक गोरी सी लड़की है भाई, मेरे हमसफर वाली गोरी लड़की। अमन ने क्या बोला, कोमल बताएगी कि अमन ने उस गोरी लड़की के बारे में क्या बोला। तो अमन, कोमल तुम थोड़ा सा व्याख्या करो प्लीज, थोड़ा कैमरा कोमल की तरफ किया जाए, बताओ बताओ। कहते इतनी गोरी है, इसको तो थप्पड़ मारने में बड़ा मजा आएगा, लाल हो जाएगा। रहा नहीं जाता, गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए इस वाले आदमी को। ये इंडिया के ज्यादातर लोग वो पाकिस्तानी सीरियल उसी लड़की की वजह से देखते हैं। तो भाई मैंने बोला था, मैं इस, ये कहती है कि इतने सारे लोगों के व्यूज आ रखे हैं इस पे, तो क्यों आ रखे हैं? तो मैंने वो बोला था, मैं ये बंदी करके देखते हैं सारे सीरियल, इतनी गोरी बंदी है ना, इसको एक थप्पड़ मारोगे तो लाल हो जाएगी। इसे हमारे लाइन में बोलते हैं सेंस ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। कैसा लगा मेरा मजाक? अब हाँ दिया तो पानी डाल दो, मिट्टी डाल दो, मिट्टी डाल दो। चलो गाइस, अब ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में देखना ना भूले, अगर ये कटेगा तो मैं पक्का डाल दूंगा कमेंट में कि ये वाला पार्ट कटा के डाल देंगे, कोई सीन नहीं, इतने की टेंशन है। तो भाई सवारियां उतार दी हैं हमने, ये जा रहे घर, और हम जा रहे अपने घर, चलो दादी पास जाएंगे, चलो बांग्लादेश। तो पीपल अपन नहा धो के हो गए, फ्रेश घर आ गए, खाना खुना खा लिया है, और ये देखो हमारा पांडा भी तैयार हो रहा है सूट पहन के। एंग्री बोर्ड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तो लाइट है घर पे, हाँ तो लाइट तो आ गई है भाई, और मौसम भी बढ़िया बाहर। भाई ये देखो पापा बेटा आ गए हैं, है ना, नाई नाई करके हमारा नोना काका आ गया, देखो शरीफ शाह दिख रहे कितना शरीफ है, खुद नहीं देख देख के कुछ हो जा रहा है। अब हम चले माऊ घूमी घूमी करके आते हैं। चलो गाइस हम घूमी घूमी जा रहे हैं, हम बाहर जाके बात करते हैं, ठीक है, हमने मेकअप करना, हमने लिशकना मुश्कना है अभी, है ना। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम निकल गए हैं, ये देखो आ गया तू बूढ़े के पास, चल चल मेरी मटको। तो चलो भाई अपन लोग निकल लिए हैं तीनों, और ये भी निकल गया, हाथ निकाल, गजब बेइज्जती है। तो फिर भाई अब हम जा रहे हैं घूमने कहीं पे, अभी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, अभी तो पहले सामान लेना है थोड़ा सा, वो लेते हैं, फिर उसके बाद कोमल की मम्मा को पिक करना है, फिर उनको लेके जाना है, और फिर देखेंगे कहाँ जाना है, कहाँ लेके जाते वो हमें घुमाने मतलब, है ना। चलो लेट अस गो एंड गोई गोई करेंगे एंड वीकेंड मनाएंगे। भाई साहब आ गए नानी को पिक करने हम, और इन्होंने ढेर सारा सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है, हमने जाना था ये बहती नदी में बहाने, और ये तो मेरे को लग रहा है पूरा ही सामान रखा है इन्होंने, वो खाना खुना जोमेटो वाला तो नहीं रखा हुआ। आपके लाइट नहीं आई अभी, घूमे घूमे नानी की फेरा की छोड़ती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो चले घूम के आए, इनके तो लाइट अभी तक नहीं आई भी, लाइट नहीं, मजे आ गए मजे। इनको सामान लाए ढेर सारा, ये देखो बहाने के लिए, अब बहती नदी ढूंढते हम, बहती नदी बोल रहा हूँ, चलती नदी ढूंढते हैं, बहती नदी होते चलती नदी होते चलता पानी ढूंढेंगे, फिर उसमें ये बहाएंगे जो कि हमारे नड्डा साहब के पास। देखो भाई ये चले गए माता जी बहाने इंचे, और ये लड़के को बहाने की बात कर रही है ना, और तुझे भी इसी पानी में बहा दूंगा मैं। फिर सोच लियो अच्छे में नहीं, इसी में डुबो डुबो के बहाऊंगा मैं नीचे तक, वहां आगे तक छोड़ के आऊंगा नाले के नीचे तक। चलो भाई बहा के आ गए हम सामान सुन, और अब आपा जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारा घूमने का डिसाइड नहीं हो रहा कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि भूख इनको भी नहीं है, माता जी को भी भूख नहीं है, मेरे को भी भूख नहीं है, तो मैंने कहा चलो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम निकल गए हैं नानी होम से, और अब हम जा रहे हैं दादी होम, तो हमारा यही चलता रहता है दिन भर, क्योंकि और कोई काम है नहीं हमारे पास करने के लिए।
उसके बाद घर जाके मैं करूँगा अब काम भाई बहुत सारा, जो कि देखेंगे क्या है। वो डिपेंड करता है कि मेरे को कैसी सी मेल ले आ रखी है। ये तो भेजा होगा किसी ने चिट्ठा बढ़िया सा, फिर तो नहीं करता मैं, फिर तो आपा भी गराइब आ जाए। ये नहीं भेजा होगा तो चल कर लेंगे। हाँ ये तो नहीं भेजा होगा फिर तो देखो कर लेंगे काम, फिर कोई टेंशन नहीं। और ये चिट्ठे में लिखेंगे बाय। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप आ गए भाई घर, ठीक है भाई लोग। और आज तो भाई लोगों आप आ गए फाइनली घर, काका गया है सो। तो भाई आज तक जो कभी नहीं हुआ वो ये है कि सैटरडे के दिन मैं सिस्टम पे लॉगिन करके बैठा हूँ। मिरेकल 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 मिरेकल। और टाइम बच गया भाई, और टाइम बच गया भाई 8:30। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन लॉगिन कर रहा हूँ भाई। मेरा 10 साल के एक्सपीरियंस में आज पहली बार हुआ है कि मैंने वीकेंड पे लॉगिन करा है। चलो करते हैं काम करते हैं। देखो मैं बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है, आप लोग करो एंजॉय, ठीक है। लड़का हमारा सो रहा है, देखो मस्त पड़ा हुआ आराम से, उसकी नींद पूरी है। अब करते हैं काम भाई, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ये नहीं करा तो फिर सोमवार के लिए हमारे को और डंडा हो जाएगा खड़ा, तो इसलिए पहले ये कर लेते हैं। तो चलो गाइस करते हैं बात। तो पीपल गुड नाइट हो गई है, काम आधा प्राधा जितना होना था हो गया, अब और करने की हिम्मत नहीं, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। तो आज का ब्लॉग करते हैं भाई यहीं ख़त्म। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड एन्जॉय।